DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स DBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर द्वारा सिंधु भवन में कोरोना वॉरियर्स चिकित्सा कर्मियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष राधा किशन आहूजा और उपाध्यक्ष मोहन चेलानी ने कहा कि गत 4 माह से कोविड-19 के संक्रमण काल में पंचशील के डॉक्टर्स और नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दिन रात परिश्रम करके अजमेर जिले की जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया और संक्रमण से बचाने का सराहनीय कार्य किया है। मेडिकल टीम की इस आदर्श कार्यशैली के लिए अजमेर का प्रत्येक नागरिक इनका सम्मान करना चाहता है। सम्मान की इस कड़ी में डॉक्टर रंजन राय, डॉक्टर दीपक सांखला, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर मनोहर मोटवानी व नर्सिंग स्टाफ का सम्मान किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर द्वारा पूर्व में भी सफाई सैनिकों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों का अभिनंदन किया जा चुका है। लोगों को सम्मान किया और क्या उद्देश्य है सम्मान करने का? आज जो हमारे सिंधु भवन के अंदर एक तो गुरु पूर्णिमा भी है, उस मौके पर जो सत्यनारायण की कथा करके उसके बाद में जो पंचशील के अंदर डिस्पेंसरी है, वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 15 जनों का जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब, कुलदीप जी सर और पूरे नर्सिंग स्टाफ सहित लगभग 15 स्टाफ का उनका पूरा फूलों की बरसात से और सिंगर सिम लेकर के शाल ओढ़ के उनका स्वागत किया गया और सभी ने उनको शुभकामना दी कि ऐसी ये जो घड़ी चल रही है महामारी की, कोरोना की, इस कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेवाएं दी है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं ऐसी सेवाएं देते रहेंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे उनका स्वागत रखा, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उम्मीद करते हैं आगे भी वो ऐसी सेवाएं देते रहेंगे। उसके अलावा डॉक्टर दीपक सांखला और डॉक्टर मनोहर वाधवानी, डॉक्टर रंजन राय, ये भी अच्छी सेवाएं देते रहे हैं। कभी भी एनी टाइम उनको फ़ोन करो, हाजिर रहते हैं। कई डॉक्टर्स ने देखा है कि आज तक क्लियरिंग बंद कर रखे हैं, आज तक वो पेशेंट को देख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सेवादारी में लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं रात दिन, तो उनके लिए हम साधुवाद करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका हमने यहाँ पे सिंधु भवन में स्वागत किया गया और आज 28 तारीख को जो हमने मीडिया कर्मियों का जो प्रोग्राम किया था, उनका मीडिया बंधुओं का जो हमने स्वागत का प्रोग्राम रखा था, उसमें कुछ बंधु मीडिया प्रेस प्रेस बंधु कुछ बच गए थे, उनका भी हमने बहुत अच्छी तरह से फूलों से स्वीकृति दे करके उनको आज भी सम्मान किया गया और वो यहाँ पधारे, डॉक्टर साहब पधारे, पूरा स्टाफ पधारे, मीडियाकर्मी पधारे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।